Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 1, classification of living organisms. Today we are going to discuss SLO number 2. So according to SLO number 2, students will be able to classify the flowering plants into two major groups like monocot and dicot and give examples of each group. So my dear students, just like animals, humne unko different groups mein classify kiya tha. इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स और इसी तरीके से वो जो है मुख्तलिफ तरह के होते हैं और इस एसएलओ को पढ़ाने का पर्पज ये है कि बच्चों को पता चल जाए कि किस तरह सीड की बेसिस के ऊपर प्लांट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनटू मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज इस एसएलओ को गौर से पढ़ें. पढ़ने के बाद इसको ढूंढें कि ये आपकी बुक में कौन से पेज नंबर पे दिया गया है. उसके बाद आपने अपनी बुक का नाम और पेज नंबर इन ब्लैंक्स में नोट डाउन करना है. देन नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज इसी एसएलओ के साथ जो सेकंड क्यूआर कोड दिया है आपने इसको स्कैन करना है. स्कैन करने पर जो वीडियो आपको मिलेगी उसको गौर से देखें एंड देन यू विल बी एबल टू कम्प्लीट दीज टास्क. सो माई डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लीट दीज टास्क इन टाइम. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.